नरौली में ना वो डेकोरेशन का भी काम करता है फर्नीचर के साथ ही, तो हम लोग आ रहे थे तो हम उनको बोले कि आप नरौली में, हम दोनों साथ ही में आए थे तो नरौली चौक पे हम उनको रोक दिए थे कि आप पहुंचिए वहाँ पे, हम आते हैं, गाड़ी हम दूसरा के लेके आए हुए थे। हम बोले कि गाड़ी पहुँचा के हम दूसरे गाड़ी से आते हैं। जैसे ही वहाँ पे गए, घर पे जैसे पहुँचने वाले थे वैसे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। सर ये हम लोगों की इतना नहीं है, लेकिन हम लोगों को थाना पे हम लोग थे तो वहाँ पे जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे गोली लग गई है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन अपराधी कहीं ना कहीं लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने और भाग निकलते हैं। ताजा मामला मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरौली चौक के समीप अपराधियों ने एक युवक के जबड़े में गोली मार दी, जिसे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को आनन फानन में बेरिया स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रहते नरौली में ना वो डेकोरेशन का भी काम करता है फर्नीचर के साथ ही, तो हम लोग आ रहे थे तो हम उनको बोले कि आप नरौली में, हम दोनों साथ ही में आए थे तो नरौली चौक पे हम उनको रोक दिए थे कि आप पहुंचिए वहां पे, हम आते हैं, गाड़ी हम दूसरा के लेके आए हुए थे। हम बोले कि गाड़ी पहुंचा के हम दूसरे गाड़ी से आते हैं। जैसे ही वहां पे गए, घर पे जैसे पहुंचने वाले थे वैसे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। क्या हुआ? मतलब बताया कि एक्सीडेंट हो गया, तो जा रहा था ना तो उसको कोई गोली मारा और भाग गया। इनका कोई दुश्मनी किसी से पहले? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। लड़का तो कभी भी किसी से बहस तक नहीं करता था। कितने साल से बाहर रहते थे? बाहर हमेशा से ही रहता था, मतलब अभी तो गांव में ही रहता था, फिर दो तीन साल से बाहर रहने लगा था। क्या कर रहा था? बाहर में फर्नीचर का काम करते हैं। डेकोरेशन का मतलब काम वो साइड से करते हैं, जैसे कि कर रहते हैं ना। कहाँ जा रहा था? उन नरौली चौक पे ही थे। चौक पे ही घटना हुई जी। वो चौक पे हुआ के अंदर में वो तो वही बताएंगे कि वहाँ से आए थे, जैसे ही गाड़ी एम्बुलेंस में आए फिर हम लोग एम्बुलेंस से पहुँचे थाना पे, वहाँ से सर को लिए, वहाँ से लेके यहाँ पे आ गए। सर ये हम लोगों की इतना नहीं है, लेकिन हम लोगों को थाना पे हम लोग थे तो वहाँ पे जानकारी मिली कि ऐसे ऐसी गोली लग गई है। तो वहाँ से ये विकास का साथ एक लड़का था, वो लड़का थाना पे आके बोला कि सर हमारा दोस्त का गोली लग गया, तो वो फट से वहाँ मुसहरी जो हॉस्पिटल उसमें एडमिट किए, वहाँ से रेफर किए, फिर रेफर करके हमारे SHO महोदय सर यहाँ भेजे। अब गोली कितना लगा ये सर हमको नहीं मालूम। नफीसा हज व उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हज व उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी लेकर आया है आप लोगों के लिए खास ऑफर। ग्रुप डिपार्चर 5 से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 10 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,30,000 रूपए 20 दिन। स्पेशल रमजान ऑफर 6 मार्च से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 23 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,60,000 रूपए 35 दिनों के लिए। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, होटल, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाई बस, जियारत, जमसम, लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पासपोर्ट, फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, पैन कार्ड। एड्रेस बाजार समिति सिवधारा दरभंगा 8460004। हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939797586।